माय यूट्यूब चैनल और मैं हूँ सिप्रा। हम लोग आप लोग सोच रहे कहाँ जा रहे हैं अचानक से। अभी जा रहे हैं हम लोग घर, क्योंकि मम्मी पास छठ पूजा के लिए। और अभी कौन कौन जा रहे हैं घर से निकले हैं मैं दिखाती हूँ। मेरे हस्बैंड और भैया भाभी के बेटे देख सकते हैं आगे आगे जा रहे हैं, मैं पीछे पीछे कैमरा करते जा रही हूँ। क्योंकि और भी सब बहन सब आएगी तब आपको दिखाएंगे कौन कौन जा रहे हैं। बस अभी हम लोग घर से इतना कोई जा रहे हैं, वहाँ जाके आप लोग से मिलती हूँ। और हाँ, हम लोग आज पहुँच चुके हैं स्टेशन और अंदर जाते हैं, देखते कितना प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आएगी हम लोगों के। और हाँ, मैं टिकट जो पापा कटवा लिए थे तो वजह से टिकट नहीं काटे, क्योंकि पापा दे दिए टिकट जो काट के रखे हुए थे पहले ही, क्योंकि गेट के पास आके दे दिए हम लोगों को। और हाँ, हम लोग की ट्रेन जो है 4 नंबर पर आएगी, प्लेटफॉर्म पर आएगी, तो हम जा रहे हैं बस 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर एंड सीढ़ी। और हाँ, तो बस चलते हैं एंड दिखाती हूँ। वो लोग अभी आई नहीं, मेरे बहन लोग, वो लोग आ रही है, घर से निकल रही, बट वो लोग अभी तक स्टेशन पहुँची नहीं। आ जाएगी तब पापा लोग उससे मिलवाऊँगी। और भैया और भाभी के बेटा, और हम भाभी के बेटा का नाम सुमन है, तो सुमन और भैया जा रहे हैं बैग लेकर, देखिए कैसे करके, क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी हो गया था, भारी मेरे बेटी का सामान सब है ज़्यादा, और हम लोग को ज़्यादा नहीं है। और मैं देखिए स्टेशन पहुंचने के बाद इस तरीके से बैठी हुई हूँ, क्योंकि सामान सब पारा कर रहे हैं और वो लोग इधर उधर कर रहे हैं, भैया लोग वो लोग देखिए उधर है। और हाँ, मैं बैठी हुई हूँ और मैंने हस्बैंड को कहा जो आप थोड़ा सा वीडियो शूट कर दीजिए, तो बस वो थोड़ा सा वीडियो मेरे लिए शूट कर रहे, आप लोग के लिए भी और मेरे लिए भी, क्योंकि मैं आप लोगों को दिखाती हूँ और आप लोग देखते हैं, इस वजह से आप लोग और मेरे लिए, इस वजह से मैंने बोला। और हाँ, सामने साइड में बहुत ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि आज सब गंगा स्नान करके आ रहे पूजा के लिए, तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। हम लोग पहुंच चुके, अब जा रहे घर और ट्रेन अभी भी बस अभी उतरे ट्रेन से। हाय कर, हाय। तो बस और एक बहन आगे चल रही है और सबके साथ में, भैया लोग के साथ में। तो बस अभी हम लोग टोटो चढ़ेंगे, उसके बाद आप लोगों को मिलती हूँ। और हम लोग टोटो पे बैठ चुके हैं और भैया का फ्रेंड आए थे तो बाइक पे निकल चुके हैं, हम लोग जा रहे हैं घर। और हाँ, यहाँ पे लाइटिंग क्या चीज़ का हुआ पता नहीं, आगे जाएंगे तो पता चलेगा क्या चीज़ का लाइटिंग हुआ है यहाँ पे। और हाँ, अभी थोड़ा थोड़ा दुकान बंद हो चुका है, थोड़ा दुकान खुला हुआ है, क्योंकि अभी रात हो चुका है, 10:15 हो रहा है, इस वजह से ज़्यादा रात हो रहा है, इस वजह से बंद होने लगा है दुकान सब। और देखते क्या चीज़ का लाइटिंग हो रहा है, मुझे भी नहीं पता। और ये जो है ना, ये थाना है, और हाँ थाना में जो कि पूजा था काली पूजा, इस वजह से लाइटिंग हुआ है। एंड इस साइड जो है ना, देखिए क्या खिचड़ी खिला रहा है, इस वजह से यहाँ पे कांड है, और उधर खिचड़ी खिला रहा है, इस वजह से जो प्रसादी वक्त पड़ते हैं वो, तो बस वही चल रहा है इधर इस साइड में, यहाँ पर अंदर में, तो मैंने वो दिखाया है आप लोगों को। एंड अब चलते घर, एंड घर पे चल के बातें करूँगी आप लोगों से। बस आप लोग से बातें करते करते मैं आ चुकी हूँ घर के पास, ज़्यादा दूर में नहीं है घर, एकदम से पास में हम लोगों का, बस 10 मिनट का रास्ता में, 10 मिनट भी नहीं, 5 मिनट में आप आ जा सकेंगे, इतना पास में है। तो बस ये जो है गली, घर का गली ये देख सकते हैं। घर पर जाने के बाद सबको देखिएगा कैसे करके आती है, कौन कौन आती है वो आप लोगों को दिखेगा। बस अब टूटू रुकेगा ही यहाँ पे, एंड घर पे आ चुके हैं, सबको आगे आगे जा रहा है, क्योंकि घर पे आने के बाद सबको आगे आगे आता है। एंड देख सकते लाइटिंग जो कि दीपावली में किया हुआ है, और लाइटिंग अभी कर रही है छठ पूजा के लिए, और मम्मी अभी कर रही कुछ जो कि आते टाइम नियम होता है घर पे घुसने के टाइम, बच्चे लोग के लेके आने के बाद, तो वो सब नियम कर रहे हैं, तो तीनों के एक एक करके करेंगे इस तरीके से। तो बस 2 बांध करके पहले कर लेंगे और 1 को बाद में करेंगे, क्योंकि 3 को साथ में नहीं करेंगे। हम आए अब। सो गाइस, हम लोग आ चुके हैं और आते आते 10 बज चुका है, 10:30 बज चुका है। मेरी बेटी देखिए खेल रही है अभी, और ये यहाँ पे आके बहुत ही अभी खुश है, क्योंकि नया नया जगह पे आई है।
और 2 दिन बाद पता चलेगा उसको दादी घर का याद आता है या फिर नहीं आता है। हे गाइस, आज है कद्दू बात और मैंने इसमें ही अटैच कर दिए वीडियोस को, क्योंकि बहुत पेंडिंग हो जाता है इसी वजह से, क्योंकि एडिट करने का टाइम नहीं मिला था जो आने वाला वीडियो, इस वजह से मैंने सोचा अटैच कर दूँ और रात में ज़्यादा कुछ दिखाएं नहीं, तो मैंने सुबह से स्टार्ट कर दिया। हाँ, अभी सुबह सुबह मैंने नहा धुल के आई हूँ, जो कि कद्दू हाथ है आज, तो कद्दू वगैरह सब्जी वगैरह कट कर रही हूँ और ऊपर में मैंने बादल चढ़ा दिए हैं। और हाँ, आज बनेगा ज़्यादा फूल गोभी सब्जी, कद्दू का सब्जी, एंड देखिए आप लोग क्या क्या बनेगा आगे आप लोग को दिख जाएगा। और मम्मी लोग अभी गए हैं नदी नहाने के लिए, तो मैं अभी बस खाना का प्रिपरेशन वगैरह चल रहा मेरा, और खाना बनाएगा मैं ही बनाऊँगी एंड मम्मी आएगी तो जो बच्चा को चाहेगा बना देगी, क्योंकि मेरी बेटी भी तो परेशान हो जाती है ना, जितना बना सकूँगी मैं बनाऊँगी। और हाँ, मैं भी सोची थी नदी जाने के लिए, क्योंकि मैं भी जाऊँगी यार, आप लोगों के लिए वीडियो भी शेयर करूँगी, बट घर पे सबको बताया नहीं, शमशान है बच्चे को लेकर मत जाओ, इस वजह से मैंने छोड़ दिए। तो मैंने ठीक है नहीं जाएंगे, नेक्स्ट ईयर जाएंगे, थोड़ा सा बड़ी हो जाएगी तब लेके जा सकेंगे। और हाँ, मेरी बेटी एकदम से मुझे छोड़ के नहीं रहती, एकदम से नहीं, किसी के गोद में भी नहीं जाती, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा परेशान करती मेरे पास और वो अपने पापा के पास, दोनों जो है ना, मैं और उसका पापा सामने में रहना चाहते हैं, वो सिर्फ उतना ही चाहते हैं कि सामने में रहें। आयन गैस पे देख लिया अब क्या क्या चढ़ा हुआ है, एक मैं भात, एक मैं दाल और मैं सब्जी वगैरह कट कर रही हूँ, और क्या क्या बना हुआ है बनेगा वो आप लोगों को मैं बाद में दिखाऊँगी। और हाँ, आज का ब्लॉग काफ़ी अच्छा लगेगा आप लोगों को, तो ब्लॉग को ज़रूर लाइक कीजिएगा अच्छा लगेगा तो, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल बटन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मेरी बेटी बदमाशी करती है, देखिए क्या कर रही है, जो कि फूल को भी पकड़ रही है, देखिए यहाँ पर कट कर करके फूल को भी एंड आलू, यहाँ पर दाल में डालने के लिए कद्दू एंड वो कद्दू को ही मतलब एक सब्जी बनाने के कट करके रखी हुई है, तो बस इन सबको मैं बना लेंगी, अब मैं ही बनाऊंगी, अब मम्मी भी आ जाएगी तो बना लेंगी। एंड खाना वगैरह बन चुका है, अब मैं निकाल रही हूँ खाना, एक खाना थाली निकाल के मैंने भैया के लिए निकाल के रखे हुए हैं, मेरे हस्बैंड बैठ के पहारा कर रहे हैं, वीडियो भी बना रहे हैं तो इस वजह से दूर से है, और मैं निकाल रही हूँ भैया के लिए एंड सबके लिए। और मैंने निकालने के बाद देखिए क्या क्या है, बैगन भाजी एंड कद्दू का सब्जी, जो कि भाजी की तरह फ्राई कर दिए सिर्फ, और फूल गोभी सब्जी एंड कद्दू और चना का दाल और पापड़ और ज़्यादा कुछ नहीं है। और उसके बाद मैं सबको बुलाने गई है कि सबका खाना मैंने निकाल दिया इस वजह से, एंड भैया सब खेल रही है, वो देखिए कैसे करती है, सब खेलती रही क्या कर रही है। स्टेबिलिटी बना हुआ रहेगा, स्टेबिलिटी रहेगा, কুদা করাতা ভি খেল एंड भैया सबसे पहले रखेंगे खाने के लिए, क्योंकि भैया चाहेंगे खाना उसके बाद सबसे खा सकेंगे, इस वजह से पहले उसको दिखा दिया हमने सबको, बाद में बैठने से खाने से थोड़ा सा स्टार्ट कर लेंगे। अरे गिलास में पानी अच्छा से लेके दे, अच्छा पानी दे, बेसी का भी देनी देना, देख के कितनी को ले लिया, कहीं नहीं दाढ़ी और देखनी हो पावर दल को कैसे भात वैसी दिल गया। वीडियो में मेरा मुंह आना चाहिए, बुढ़िया कौन सा देखे वाला तुझे कि कितना होगा पर हां देखे वाला नहीं जी, हम लोग हमारा भेज दे, बोले उदल को ये जे तुरा में जदे आवा मांगला तो बोल दिया, वो भेज लगा ओकरा दे दे, ओकरा दे दे, चुप रहे बैठ, सब देख रहे लोग पास से, हां बैंक दे रहा लंबा ए बुढ़िया को साथ तो दादा पिया का पट्टा को से सीधा। और यहाँ पे तीनों बैठ चुके हैं खाने के लिए, और यहाँ काफ़ी ज़्यादा अंधेरा 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 नहीं, रोशनी थोड़ा सा दूर से आ रहा है इस वजह से अंधेरा लग रहा है, बट ठीक है उतना भी अंधेरा नहीं है। और पांडा जो है ना मेरे भैया लाए हैं, मेरी बेटी को गिफ्ट किए हैं, और काफ़ी बड़ा पांडा है जो कि मैं बाद में आप लोग को अच्छे से दिखाऊँगी, और वो अभी खेल रही है उसके साथ और नोज़ में किसी कर रही है, तो देखिए आप लोग।
मिट्टी मिट्टी जो करता है ना वो करता होगा है ना।